हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मा गर्म भुट्टे की रेसिपी। यूँ तो हम भुट्टे रोड साइड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जैसा कि अभी चल रहा है पैंडेमिक टाइम, तो इस टाइम बाहर खाना सेफ भी नहीं है, और दूसरी बात लॉकडाउन की वजह से बाहर भुट्टे मिल भी नहीं रहे हैं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, चलिए हम अपने घर की रसोई में गैस चूल्हे पर गर्मा गर्म भुट्टे बनाते हैं। और यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और मेरी रेसिपी को लाइक करें। यहाँ पे मैंने लिया है दो भुट्टे, एक भुट्टे का छिलका मैंने पहले से उतार लिया है। और छिलके उतारते समय आप ये ध्यान रखें कि ये जो डंठल होता है उसे आप छोड़ दें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इस भुट्टे को पकाएंगे तो आप इस डंठल की हेल्प से पूरे भुट्टे को पकड़े रह सकते हैं और आपके हाथ जलने के भी चांस नहीं होंगे। और इस डंठल को पकड़कर बिल्कुल अच्छे से पूरे भुट्टे को रोटेट करके पका भी सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने भुट्टे पकाने की ओर। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर लिया है। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप भुट्टे को तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से भुट्टा जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चे होंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया इसे बनाना। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं कि मेरा भुट्टा बिल्कुल अच्छे से पक रहा है। आप इसे बिल्कुल इसी तरह से रोटेट करते हुए बनाएं, इसलिए मैंने आपको बोला था डंठल छोड़ने के लिए, ताकि आपको रोटेट करने में हेल्प हो। आपको मैं यहाँ पे पास से दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल अच्छे से पक रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा भुट्टा 60% रेडी है। आपको मैं यहाँ पे पास से दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल अच्छे से पक रहा है। इसका स्वाद सेम जो रोड साइड अंगीठी पर बने हुए भुट्टे मिलते हैं वैसा ही होता है। यहाँ पर इसी तरह से इसके पिछले पोर्शन को भी पका लेंगे। यूँ तो कहा जाता है बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे मिल जाए तो क्या कहना, और इत्तेफाक से अभी हमारी दिल्ली में हो रही है बारिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खुशनुमा मौसम हो रखा है। और इधर मेरा गर्मा गर्म भुट्टे भी रेडी हो रहा है। आप इस भुट्टे के ऊपर नींबू और काले नमक को अच्छी तरह से लगा लें फिर खाएं। ऐसा करने से भुट्टे का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और आप भी बिल्कुल इसी तरह से घर पे एक बार चूल्हे पे भुट्टे बनाकर देखें, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें कि गैस के चूल्हे पे बने हुए भुट्टे की आइडिया आपको कैसी लगी। तो मैं चली इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे का मज़ा लेने। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट करें, जिससे कि आगे भी मैं इसी तरह से कोई न्यू और यूनिक रेसिपी लाती रहूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।